सो हेलो गाइस, आज की वीडियो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ना फ्रेंड्स, वो है एक आपका बहुत तगड़ा स्ट्रेटजी जिसको कहते हैं 5EMA। बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी है, इसके मैं डिटेल बताऊंगा। और आप लोग को जो है 5EMA बहुत बहुत जगह दिखता होगा, लेकिन आपको कब ट्रेड लेना है और इसमें कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, इसमें आप स्कैल्प कर सकते हो, मेनली स्कैल्प अगर आपको करना है तो, ठीक है। ये मतलब ये आपको एक बताता हूँ, ये एक प्रॉपर ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको मैं भी यूज़ करता हूँ और बहुत अच्छे इनकम जनरेट इससे होता है, ठीक है। अब बेसिकली करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। EMA स्ट्रेटजी, ठीक है। चलो वीडियो को करते हैं चालू और आप लोग ध्यान से चीज़ों को समझना कि ये वीडियो किस प्रोसेक्टिव से, मैं बैक टेस्ट करके आपको सारी चीज़ें करके बताऊँगा। वीडियो को बस लास्ट तक देखना और चैनल पर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज़ समझना, आपको कोई भी स्ट्रेटजी को ना बिना मतलब के, मतलब मान लो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है, मैंने बोल दिया कि भाई ये स्ट्रेटजी बहुत तगड़ी है, इसको आप लोग जो है इसको आप लोग यूज़ करो, और आप लोगों ने क्या किया, यूज़ करना चालू कर दिया बिना बैक डाटा चेक किए हुए, आप लोगों ने यूज़ करना चालू कर दिया, भाई राइटिंग गलत है उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। तो बिना अगर आप लोग बैक डाटा चेक किए अगर यूज़ कर रहे हो तो बहुत गलत चीज़ है, आपको बैक डाटा हमेशा चेक करना चाहिए। अब चलो स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेटजी में है क्या, ठीक है। स्ट्रेटजी में आपको जरूरत किस चीज़ की पड़ी हुई मैं बताता हूँ। स्ट्रेटजी जो पहले आपको जरूरत पड़ेगी गाइस, वो पड़ेगी, एक सेकंड ये क्यों नहीं आ रहा, एक सेकंड मैं बताता हूँ कि स्ट्रेटजी में जरूरत आपको क्या क्या चीज़ की पड़ी हुई मैं बताता हूँ। पहले आपको पड़ेगी EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। सेकेंडली आपको जरूरत पड़ेगी 5 मिनट टाइम फ्रेम TF लिख देता हूँ, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब सुनो, EMA पहला, ठीक है, और EMA कौन सा वही बताता हूँ, EMA कौन सा, EMA 5 EMA 5 मिनट टाइम फ्रेम। और अब आपको क्या देखना है, आपको तीसरी जो चीज़ देखनी है वो देखना है कि मार्केट में मूवमेंट, मार्केट की मूवमेंट, ठीक है, और मार्केट की मूवमेंट। उसके बाद आपको चौथा चीज़ क्या चाहिए, उसके लिए आपको चौथा चीज़ चाहिए बीबी, मतलब पत्नी मत समझना, बीबी मतलब मैं बताता हूँ क्या, ठीक है, बीबी मतलब बॉलिंजर बैंड, ओके। तो अब चलो सीखते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती है, क्या क्या चाहिए आपको, नोट कर लेना है इसको। आपको चाहिए आपको चाहिए 5 EMA 5 मिनट टाइम फ्रेम, मूवमेंट, मार्केट का मूवमेंट समझना है, मैं बताऊंगा मार्केट का मूवमेंट कैसे समझना है गाइस, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बन रहो बस, बॉलिंजर बैंड, ठीक है, ये सारी चीज़ समझो और फिर आप लोग को ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है स्ट्रेटजी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी को, पहले मैं आपको जो है सिखा देता हूँ कि आपको करना कैसे है, ठीक है। आप लोग को यहाँ मेनली इंडिकेटर पे जाना है, इंडिकेटर पे जाने के बाद आपको जो है एक EMA सर्च कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप लोग EMA सर्च करोगे ना, EMA यहाँ पे EMA आ गया ना, मूविंग अगर एवरेज एक्सपोनेंशियल आएगा उसको ऐड कर लेना, ठीक है। ऐड करने के बाद गाइस आपको जो है उसको जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर लेंथ पे 5 कर देना है और ये SMA होगा, इसको आपको EMA कर देना है, EMA कर देना है और यहाँ पे भी 5 डाल देना है, उसके बाद ओके कर देना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको जो है EMA जो है सेट हो गया है, आप उसको जो है मोटा कर सकते हो अगर आपको मोटा करना है, आपको दिखाई नहीं देता है मेरे जैसे अंधे हो तो, मतलब मजाक कर रहा हूँ। तो आप लोग उसको जो है रेड कर, आप लोगों ने ब्लैक कर दिया, ठीक है। आप लोग को मैं चीज़ें बताऊँगा वो ध्यान से सुनना कि इसमें कैसे स्ट्रेटजी काम करती है, कैसे आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हो। मेनली अगर आपको जो है बढ़िया खेलना है तो आप बढ़िया भी खेल सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मेनली ये स्ट्रेटजी बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी और बहुत अच्छा मतलब आपको रिटर्न देती है बना के, ये मैंने जहाँ तक टेस्ट किया है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा और बहुत अच्छा ये जो है आपको, मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कैसे बुक करना है, सारी चीज़ें आपको एकदम एक्यूरेट बताऊंगा, ठीक है। तो अब सुनना, देखो वो जो बताते हैं सुभाषी सर, वो जो बताते हैं वो सिंपली आपको स्ट्रेटजी के बारे में बता देते हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ पे EMA दिख रहा है 5 EMA, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे, लेकिन SL हो जाएगा, आपको जो है यहाँ पे भी 5 EMA दिख रहा है, यहाँ पे भी आपका SL हो जाएगा। तो भाई इसमें SL बहुत होते हैं, तो मैं बचने का बताऊंगा कि आप लोग को जो बचना कैसे है, आप लोग को कैसे स्ट्रेटजी लेनी है कि आप लोग एक्यूरेट स्ट्रेटजी ले पाओ जिससे आपकी एक्यूरेसी जो है 90% हो पाए, ठीक है। अब चलो चलते हैं आगे, ठीक है। तो अब देखो करना क्या है, देखो भाई अब मान लो हम लोग ये दिन ले लेते हैं, इस दिन 5 EMA करना क्या होता है वो सुन लो। 5 EMA मेनली हम लोग को देखना होता है ना कि जो है लगातार, मान लो मार्केट अपसाइड जा रहा है, लगातार नहीं तो मान लो मार्केट अपसाइड गया, ठीक है, और ये 5 डे EMA है, 5 EMA है, ये 5 EMA है। और मैं एक दिन क्लीन चार्ट पे चल के दिखाता हूँ आपको, क्लीन यहाँ पे गाइस, हाँ गाइस, तो देखो ये मान लो ये कैंडल्स है, ठीक है, ये कैंडल्स है ये। अच्छा मैं एक सेकंड आपको अच्छे से बना के बता देता हूँ, ठीक है, अच्छे से बना के बताता हूँ। हाँ गाइस, तो ध्यान से समझना चीज़ों को, ठीक है। मान लो ये जो है कैंडल्स है, ठीक है, ये कैंडल्स है, मैं कैंडल्स बना देता हूँ, एक सेकंड, ये पूरा लॉन्ग वाला है, एक सेकंड मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है, मैं एक सेकंड इसको स्मॉल कर देता हूँ, एक्सटेंडेशन इसका बंद कर देता हूँ। मैं आपको सारी चीज़ें एकदम बेसिक से समझाऊंगा, बस आपको ध्यान से सुनना है, सीखना है और समझना है क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये कैंडल्स है,
ये कैंडल्स बन रही है रेड ग्रीन कैंडल्स का, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको कौन सी कैंडल बन रही है, ये सारी चीज़ें नहीं, बस ये कैंडल बन रही है आपको ये देखना है, ठीक है। कैंडल बन रही है और जो EMA है, EMA बता देता हूँ, मान लो ये आपका EMA है, ठीक है, ये आपका EMA, अरे चल जा यार, ये आपका EMA है, ये EMA यहाँ से जा रहा है, ठीक है, EMA यहाँ से जा रहा है। अब जो है एक जो है रेड कैंडल बनती है, एक रेड कैंडल या फिर कोई भी कैंडल, रेड कैंडल या फिर कोई भी कैंडल बनती है, यहाँ बनती है, ठीक है, वो रेड कैंडल बताते हैं, मैं कोई भी कह रहा हूँ, कोई भी कैंडल EMA के ऊपर बनती है, तो ये आपकी हुई ट्रिगर्ड कैंडल। मतलब आपको यहाँ पर ध्यान हो जाना है कि भाई हाँ, अब जो है मार्केट इससे नीचे अगर इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है तो मैं यहाँ पर जो है एक ट्रेड बनाऊँगा और मैं जो है स्टॉप लॉस जो है कहाँ लगाऊँगा, स्टॉप लॉस लगाऊँगा इस प्राइस के ऊपर, मतलब कहाँ पर, एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको, स्टॉप लॉस लगाना है वो यहाँ पर लगाना है और मिनिमम 1:2 का टारगेट रखना है, 1:2 का टारगेट, ठीक है। तो आपको मिनिमम 1:2 का टारगेट रखना है और आपको जो है स्कैल्प करना है या फिर आप लॉन्ग भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि आप लोग लंबा ट्रेल कैसे कर सकते हो। और अब देखो ये जो स्ट्रैटेजी है कहाँ कहाँ बनती है वो मैं दिखाता हूँ, देखो आपको कहाँ कहाँ बनती हुई दिखा दी, क्योंकि आप इससे बचना कैसे है, कुछ समझना कैसे है कि हाँ ये सही में बन रही है। देखो मैं जो है अपनी एक बार EMA वाली सेटिंग फिर से कर लेता हूँ, क्योंकि भाई देखो गलती हो गया, ठीक है, एक मिनट मैं ये क्लोज़ कर लेता हूँ और मैं एक EMA ऐड करता हूँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इसका मैं कर देता हूँ 5। EMA इनपुट्स में जाके मैंने किया यहाँ पे 5, मैंने यहाँ पे EMA डाला, ठीक है, लाइव आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे डाला 5, ओके किया। अब देखो बनता कहाँ कहाँ पे और SL कितना होता है वो देखना, ठीक है। यहाँ आपका क्या हुआ, देखो यहाँ पे बना 5 EMA, देखो यहाँ बना 5 EMA, यहाँ 5 EMA बना, ठीक है, 5 EMA बना, इसके नीचे कैंडल गई लेकिन मार्केट ने जो है SL हिट कर दिया, SL हिट कर दिया ना, यहाँ पे ऐसे हिट कर दिया। अब यहाँ तो आपको निकलना पड़ेगा क्योंकि रनिंग कैंडल में अब निकलना पड़ेगा आपको, वरना कहाँ मार्केट जाएगा वो आपको कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो ऐसे आपके यहाँ हिट हो गया, ठीक है। अब देखो गाइस, अब कहाँ का बन रहा है, यहाँ बना मार्केट ने फिर आपका ऐसे हिट कर दिया, नहीं देखो मार्केट ने यहाँ पे छोटा सा टारगेट दिया, मतलब एकदम मिनिमम, बट आपको 1:2 का टारगेट नहीं मिला, एक्चुअली आपका SL हिट हुआ है, यहाँ पे भी आपका SL हिट हुआ है, ठीक है, SL हिट हुआ है, यहाँ पे 1:2 का टारगेट आपको मिला नहीं, ओके। तो चलो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब आपको चीज़ें बताऊंगा मैं कि कैसे आपको इसमें एक्यूरेसी मिलेगी, बढ़िया एक्यूरेसी। अब चलो इधर चलते हैं, इधर देखते हैं कहीं 5 EMA बन रहा है, चलो यहाँ 5 EMA बन रहा है, यहाँ 5 EMA बन रहा है, यहाँ पे देखो 5 EMA बन रहा है। अब यहाँ पे जो आपको कन्फर्मेशन ट्रेड है, और ये मैं बताऊंगा कि आपको ये कैसे आप कैप्चर कर सकते हो मेनली, ठीक है, ये आप कैसे कैप्चर कर सकते हो मेनली, सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे था, बट मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये बन रहा होगा, ठीक है। अब ये कैसे कैप्चर कर सकते हो यार, ये मैं चीज़ें बताने वाला हूँ और आपको मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, आपको जब एक बार ये चीज़ सीख जाओगे ना, आपको इस स्ट्रैटेजी से बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। बस बेसिकली आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी और जो भी चीज़ होगी आप कमेंट में पूछ सकते हो चीज़ें। देखो अब यहाँ पे भी एक 5 EMA बन रहा है, देखो यहाँ पे 5 EMA बन रहा है, अब ये भी बहुत कन्फर्मेशन वाला 5 EMA है, ठीक है, ये भी बहुत कन्फर्मेशन वाला 5 EMA है। अब देखो यहाँ पे भी 5 EMA बन रहा है भाई, यहाँ पे क्यों नहीं गया मार्केट 1:2, यहाँ पे तो ऐसे लीड कर गया आपका, यहाँ पे तो आपका ऐसे लीड हो गया, अब बताओ यहाँ पे ऐसे लीड हो गया ना आपका, यहाँ पे क्यों नहीं गया 1:2, यही पे आपने यहाँ पे एंट्री ली कहीं, और यहाँ पे एंट्री ली क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग यहीं पे आई है, यहाँ पे एंट्री ली और एक ही कैंडल ने मारा फिर वापस ऐसे लेट। अब चलो समझते हैं कि आप लोग कैसे इस पे परफेक्ट हो सकते हो, कैसे चीज़ों को समझ सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। आपको गाइस दो चीज़ें ध्यान में देनी होगी, पहला आपको जो है बॉलिंजर बैंड ऐड करना होगा, ठीक है, बॉलिंजर बैंड ऐड करना होगा, एक सेकंड मैं बॉलिंजर बैंड ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने लिखा बॉलिंजर बैंड गया। अब बॉलिंजर बैंड में आपको जो टाइम फ्रेम जो सेटिंग है उसमें जाकर आप लोगों को टाइम फ्रेम जो है 3 मिनट कर लेना है, 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट आप लोगों ने कर लिया। अब चीज़ों को देखना, चीज़ों को क्या देखना गाइज, कि आपको देखो मेरा, मैं बॉलिंजर बैंड के ऊपर ब्लैक कलर से कर देता हूँ क्योंकि मिक्स हो गया, ठीक है, ब्लैक कलर से कर देता हूँ, स्टाइल ब्लैक कलर, ओके ब्लैक, ठीक है, और ये हो गया मोटा हमारा, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब देखो गाइस चीज़ों को समझना, ये ब्लैक वाली लाइन जो है हमारी जो है 5 EMA है और ये बॉलिंजर बैंड है। अब देखो गाइस हम लोग जो है अभी कल का डाटा देखते हैं, कल हमको एक ट्रेड जो मिला था वो मिला था 5 EMA पे, और वो क्या ट्रेड था एक्सपायरी के दिन का वो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट जो है एक यहाँ पे बहुत अच्छा जो है सपोर्ट क्रिएट कर रहा था, कहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा क्रिएट कर रहा था, ठीक है। अब देखो मार्केट सपोर्ट अच्छा क्रिएट कर रहा था, आपको जो है यहाँ पे दिखा कि मार्केट में जो है 5 EMA के ऊपर जो है एक कैंडल बनी है, 5 EMA के ऊपर एक कैंडल बनी है यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, 5 EMA के ऊपर जो है यहाँ पे एक कैंडल बनी है,
इसको जो है मार्क कर लेता हूँ, 5 EM के ऊपर कैंडल बनी है। अब गाइस 5 EM के ऊपर जब कैंडल बनी है तो इसके डाउन पे आपको जो है एंट्री लेना है। आपको यहाँ पे डाउन पे एंट्री ली, अब उसमें कन्फर्मेशन क्या है, दो देखो दो कन्फर्मेशन क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो दो कन्फर्मेशन क्या है, और इसी पे आपको जो है ट्रेड लेना है। मैं बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। देखो बॉलिंजर बैंड के जो है अपर साइड पे मार्केट टच कर रहा है, पहली चीज़ अपर साइड में टच करना चाहिए, जो ये वाली लाइन है इसमें कैंडल टच कर रही हो, और जो ये EMA है इसके ऊपर हो कैंडल, मतलब अपर बॉलिंजर बैंड के वहाँ पे टच कर रही हो लाइन पे, और इस EMA के ऊपर हो कैंडल, और उसके बाद अगर कैंडल फिर रिवर्स मार के और बॉलिंजर बैंड के जो बीच वाला लेवल है, बीच वाला लाइन जो देख रहे हो, और इसको मार्केट ब्रेक करता है, आप लोग को चुपचाप ले लेना है ट्रेड, और आप लोग को जो है बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। अब इसको आपको ऐसे ट्रेल कर सकते हो, मैं बताता हूँ। जब मार्केट एक बार डाउन साइड दे दिया ना, आपको तुरंत लेना है फिब टूल, आपको करना है टॉप से, जहाँ से टॉप स्कैंडल चालू है वहाँ से बॉटम तक का, और आपको देखना है 50 0.5 और 0.6 ये जो लेवल, अगर इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाता है तुरंत आपको अगर एग्जिट कर देना है। अगर आप बुक करना चाहते हो तो यहाँ पे बुक भी कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे अगर ट्रेल करना चाहते हो तो ये आपका फिर SL हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे SL यहाँ पे आपने कर दिया, अब उसके बाद देखो यहाँ गया मार्केट, ठीक है, यहाँ पे गया मार्केट। अब आपने फिर जो है फिबोनाची लिया, ठीक है, फिर देखो भाई बहुत बहुत प्योर प्रोजेक्शन चीज़ें आपको बता रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को जरूर लाइक करना यार, देखो कंजूसी मत करना, बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है, बहुत बैक टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आपको क्या करना है ना, आपने जो है यहाँ पे SL लगाया था, अब यहाँ से आप लोग जो टॉप टू बॉटम कनेक्ट करना है, ठीक है, टॉप टू बॉटम या टॉप टू बॉटम, आपका SL क्या आ गया। अब SL फिर देखो भाई यहाँ पे आपका यहाँ फिर आपने SL टच कर दिया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रिवर्स किया, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर किया गाइस। और ये देखो कितना तगड़ा मूवमेंट है, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, आप लोगों ने कहाँ तक का डील लो तक का मूवमेंट कैप्चर किया, एक्सपायरी के दिन में पैसा डबल ट्रिपल। अब देखो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बॉलिंजर बैंड ऑफ करता हूँ, आपको टारगेट कितना का मिला वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, दिखाना चाहता हूँ इस लेवल, इस चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखो यहाँ पे मान लो आपने एंटर किया, आपका SL यहाँ पे आया, आपने टारगेट कितना लिया भाई साहब एक्सपायरी के दिन, सीरियसली भाई 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सीरियसली भाई भाई ये कैंडल देख रहे हो ग्रीन वाली, सॉरी ये तो दूसरे दिन आ गया, फ्राइडे आ गया ना भाई, फिर भी आपने जो है डे लो तक का टारगेट यहाँ पे अचीव किया है, और बहुत अच्छा टारगेट होता है भाई, बहुत अच्छा एक्सपायरी के दिन में ये मूव बहुत तगड़ा मूव होता है, सीरियसली बता रहा हूँ। ये देखो आप लोगों ने कितना तगड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन किया है, डे लो तक का आप लोगों ने यहाँ पे टारगेट लिया है, ठीक है, सिर्फ फिबोनाची की हेल्प से, समझे, फिबोनाची 5 EMA इन सब की हेल्प से। अब देखो चलो आपको और बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको, और पीछे चलते हैं ठीक है, पीछे चलते हैं। क्या यहाँ पे 5 EMA बन रहा है, बेशक बन रहा है। अब आपको जो है क्या करना है, क्या देखना है, बॉलिंजर बैंड हम लोगों ने अप्लाई किया। अब देखो मैंने क्या बोला था, मैंने कुछ बोला था याद है, ध्यान से सुनना यार, मैंने क्या बोला था, बॉलिंजर बैंड के ऊपर जो है कैंडल टच है ये वाली, ध्यान से सुनो, बॉलिंजर बैंड के ऊपर वाली कैंडल टच है पहली, ठीक है, और ये 5 EMA पे से टच नहीं है, 5 EMA को टच नहीं किया, 5 EMA से ऊपर है। अब जो मार्केट में कैंडल नेक्स्ट बनेगी, इस कैंडल को क्रॉस करेगी और इस लेवल को जो बीच वाली लाइन को इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देगी और 5 EMA को क्रॉस कर देगी, मैं यहाँ पे तुरंत ट्रेड लूँगा, मेरा SL जो रहेगा इस कैंडल के हाई करेगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा SL बन रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे SL मेरा टारगेट भी देखो भाई, SL बढ़ा है तो टारगेट देखना, अब देखना SL बढ़ा है तो भाई टारगेट देखना, ठीक है, SL बढ़ा है तो टारगेट देखना। अब यहाँ पे मेरा SL है, अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड रेशियो कितना मिला। यहाँ पे मेरी एंट्री, ठीक है, यहाँ पे मेरा SL रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखो, और ट्रेलिंग में बता दूंगा भाई, और अरे भाई 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 क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेरा भाई, किसी में आपको मतलब किसी में आपको सस्ता सुविस्ता मिल ही नहीं रहा है। देखो अब एक चीज़ दिखाता हूँ, अब बहुत लोग क्या करेंगे देखो 5 EMA यहाँ पे भी तो बन रहा है, यहाँ पे भी तो 5 EMA बन रहा है, अबे नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी तो 5 EMA बन रहा है, यहाँ पे भी तो 5 EMA बन रहा है, मैं क्या यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ मैं ले लूँ, ले लो तो लो, घुस गया मार्केट। तो बताओ आपको, देखो कितनी तगड़ी चीज़ें बताई है मैंने, इसको बैक टेस्ट करना एक बार और फिर देखना कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ जरूर कमेंट बताना। फुल वीडियो आपने देखा हो तो बहुत मज़ा आया होगा, आप बैक टेस्ट करके देखना और तब आपको समझ आएगा कि हाँ भाई मैंने स्ट्रेटेजी जो बताई है वो कैसी बताई है, कैसी लगी आपको स्ट्रेटेजी, इस पर वर्क करना और तब बताना कि आपको कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।